नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बेड़ी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ट्यूटोरियल दूंगा फिल्मोरा के बारे में। फिल्मोरा में आप बहुत सारे लोग वीडियो एडिट करते होंगे, लेकिन कैसे आप 18:9 वाला वीडियो इसमें एडिट करेंगे वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। फिल्मोरा जब भी आप ओपन करते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे आप लोगों को 4:3 या फिर 16:9 का ऑप्शन मिलता है, लेकिन 18:9 का कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कैसे आप क्रिएट करें 18:9 वाला वीडियो, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और चलिए देख लेते हैं कैसे आप लोग बना सकते हैं 18:9 वाला वीडियो फिल्मोरा को यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आजकल के जो नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें से सभी में आपको टॉल डिस्प्ले देखने को मिलता है, और टॉल डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो। जबकि हम लोग वीडियो बनाते हैं 16:9 में, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे 16:9 पूरा वीडियो पूरा डिस्प्ले को जो है कवर नहीं कर पाता है, और उससे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं आता है। तो अगर आप 18:9 वीडियो बना सकते हैं तो आप एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को। तो इस वीडियो में मैं आज वही बताऊँगा कैसे आप लोग 18:9 वीडियो बना सकते हैं अपने फिल्मोरा को यूज़ करके। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल बताने के लिए आप लोगों को थोड़ा मैथ समझाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा जो वीडियो बनेगा 18:9 का, यानी कि 18:9, अगर आप दोनों साइड को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2:1, यानी कि एक्चुअल अल्टीमेट हमारा जो वीडियो बनेगा 2:1 का वीडियो बनेगा। तो 2:1 में वीडियो बनाने के लिए पहले आपको जानना होगा आप कौन से रेजोल्यूशन में वीडियो बनाएंगे। अगर आप फुल एच डी में वीडियो बनाएंगे तो आपका रेजोल्यूशन होता है 1920x1080। अगर आप एच डी पर वीडियो बनाएंगे तो आपका रेजोल्यूशन होगा 1080x720। और अगर आप 4K वीडियो बनाएंगे तो 4K का अलग से रेजोल्यूशन आता है, वो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप 2:1 में 1080 वीडियो बनाएंगे तो एक साइड में आपका रहेगा 1920, यानी कि हायर जो साइड है 2:2 के साइड में आपका रहेगा 1920। लेकिन अगर आप इस साइड को देखेंगे तो 2:1 करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 1920 का हाफ यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। इसका मतलब है 1920 को अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है 960। तो यहाँ पे आपका जो वीडियो का रेजोल्यूशन बन के आ जाता है वो है 1920x960। ये रेजोल्यूशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए, इसके बाद आप फिल्मोरा को ओपन कर लीजिए। फिल्मोरा को ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप 16:9 को ही ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जो वीडियो को एडिट करेंगे, वीडियो को आप टाइमलाइन पे ड्रैग कर लीजिए। टाइमलाइन पे ड्रैग करने के बाद आपको दो काम करना होगा। फर्स्ट में आपको क्रॉप में जाना होगा। क्रॉप में जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मैनुअली क्रॉप कर सकते हैं या फिर 16:9 या फिर 4:3 में क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैनुअल पे जाना है। मैनुअल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है 1920x960। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्रॉप पे नहीं आएगा, तो एक बार प्ले कर लीजिए। प्ले करने के बाद क्रॉप का जो सिलेक्शन बार आता है, सिलेक्शन बार आ जाएगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके वीडियो का फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेम एडजस्ट हो जाने के बाद आप इसको क्रॉप करके ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका वीडियो क्रॉप हो गया और इतना तक ही आपको वीडियो देखेगा। थोड़ा जो वीडियो का रेजोल्यूशन होता है, थोड़ा वीडियो कट जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा रेजोल्यूशन आपका कट जाएगा, लेकिन अल्टीमेट वीडियो 1080p का ही बनेगा। तो इसके बाद आपको करना है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट जब करेंगे तब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आप फुल एचडी वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका फर्स्ट में आएगा 1920x1080। लेकिन आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। क्लिक करने के बाद पीछे का जो रेजोल्यूशन है 1080 को चेंज करके आपको 960 करना पड़ेगा। तो इसको 960 कर दीजिए, उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं आपका वीडियो पूरा रेंडर होकर आ जाता है। और जब भी आप इस वीडियो को अपलोड करेंगे यूट्यूब पे तो आप देखेंगे कि आपका जो फुल वीडियो है, फुल वीडियो पूरा डिस्प्ले कवर करके आ रहा है। साइड का जो पोर्शन है, साइड का पोर्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा गायब नहीं हो रहा है। मैक्सिमम जब आप 16:9 पे वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं तो यहाँ पे साइड का पोर्शन खाली रह जाता है, और ये टॉल डिस्प्ले वाले फ़ोन हमारे होते हैं, टॉल डिस्प्ले वाले फ़ोन में हमें जगह खाली रह जाता है और उतना इमर्सिव फीलिंग नहीं आता है, और हमें जूम करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जूम नहीं करना पड़ेगा, आपके व्यूअर्स को जूम नहीं करना पड़ेगा, और आपका व्यूअर्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग वीडियो बना सकते हैं 18:9 रेशियो में, और आप लोगों के व्यूअर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऊपर में और नीचे में ब्लैक बार्स लगा देते हैं। ब्लैक बार्स लगाने से आपका वीडियो छोटा तो बन जा रहा है, लेकिन आपका 18:9 नहीं बन रहा है, वहाँ पर आपका 16:9 ही वीडियो बनने जा रहा है। सिर्फ आपके ऊपर पे और नीचे में ब्लैक बार आ जाता है, लेकिन ऐसा करने से आपका वीडियो वाइड स्क्रीन पर नहीं बनेगा। आपको ऐसा पूरा एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो वीडियो है वाइड में बन के आ जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का आप लोगों का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो आपने दोस्तों से जरूर शेयर करना ना भूले। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और आपका दिन शुभ हो।